नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो देखिए, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी स्पेशल है जो लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर पोस्ट सेक्टर देख रहे हैं, जो लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर पीसफुल सेक्टर देख रहे हैं, जो लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर ग्रीन सेक्टर देख रहे हैं, तो और जो लोग ग्रेटर नोएडा के अंदर कम से कम 200 मीटर के जो प्लॉट साइज होते हैं उसमें अपना कोठी बनाना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो स्पेशल है, 200 मीटर की जो प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं लोग ग्रेटर नोएडा में, उनके लिए ये स्पेशल है। देखिए, आप सभी की दौड़ लगी हुई है यमुना की ओर। आप यकीन मानिए, जो यमुना के सेक्टर जो है आपका, सेक्टर 22 डी की बात कर लो, 18-20 की बात कर लो, सेक्टर 25 की बात कर लो, जो ग्रेटर नोएडा के मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर सिग्मा 3 की, उन सेक्टरों के बिल्कुल ये नियर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि सिग्मा 3 से आप हुंडा चौक पार करते हुए सीधे एक्सप्रेस वे को लिंक करते हैं, जहाँ पर आपका चौरपुर विलेज के 6% के प्लॉट है, आपका चाईफाई सेक्टर है, तो आपका ये एक्सप्रेसवे से लिंक करता है। एक्सप्रेसवे से इस सेक्टर की दूरी मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये सेक्टर है। तो देखिए, 200 मीटर का अगर आप ग्रेटर नोएडा में खाली कंप्लीशन का एक प्लॉट लेने जाएंगे, आप किसी भी डीलर को, किसी भी फाइनेंसर को, या अपने जानकार को, रिलेटिव को, किसी को भी कॉल करेंगे, हर कोई आपको 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, 2.5 करोड़ 270, इवन जो लोकेशन के प्लॉट है अच्छे सेक्टर के, 3 करोड़ तक के रेट आपको 200 मीटर के खाली प्लॉट के देखने को मिलेंगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा में अभी भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपका, देखिए, आपके बजट में भी चीज आ जाएगी और आपको बनी हुई कोठी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर सिग्मा 3 में 200 मीटर में बनी हुई बड़ी आलिशान सी एक कोठी मैं दिखाने वाला हूँ, और सिर्फ ये आपके बजट में है। आप यकीन मानिए, प्लॉट के रेट में आपको ये कोठी मिल रही है। अगर आप इसमें डुप्लेक्स अथॉरिटी रॉ कंडीशन में यहाँ पर 200 मीटर की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो 2.25 करोड़ से 2.30 करोड़ के बीच आपको ये भी मिल जाएंगी चीजें। आप उसको अपने अकॉर्डिंग रिनोवेट करा लीजिए। चलिए, वीडियो में चलते चलते कोठी दिखाते दिखाते मैं आपको बाकी की बातें बता देता हूँ। और हाँ, इस सेक्टर की एक और खासियत है, इस सेक्टर में अगर आप कॉर्नर का भी प्लॉट लेते हैं ना, किसी भी सेक्टर में जाओगे, कहीं पर लेटे हुए प्लॉट है, कहीं पर किसी प्लॉट की डायमेंशन कम है, कहीं पर आपका डायमेंशन ज्यादा हो जाती है, लेकिन नहीं, इसमें देखे 200 मीटर के लिमिटेड प्लॉट है, ज्यादा इसमें दो ही ब्लॉक है इसके, ए और बी, ज्यादा इसमें प्लॉट साइज नहीं है 200 मीटर में, और आपका 200 मीटर में सारे डुप्लेक्स विला है, कॉर्नर का भी इसमें 200 मीटर का ही डुप्लेक्स आपको मिलेगा। तो बड़ा सुंदर सा प्यारा सा सेक्टर है, इसमें 200 मीटर की ही आपको एक तरीके से जैनरी इसमें 200 मीटर की ही आपको मिलेगी, 200 मीटर के। चलो देख लेते हैं कोठी और बाकी की बातें कर लेते हैं, कितने में आपको मिलेगी, क्या रजिस्ट्री चार्ज है, क्या यहाँ का सर्कल रेट है, टोटल आपका जो खर्चा है कितना होने वाला है इस कोठी को अगर आप परचेज करते हैं। देखिए, सिग्मा 3 का ये 3 मंजिल की कोठी 200 मीटर में बनी हुई, जो लोग ग्रेटर नोएडा सेक्टर 18-20 की ओर ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, वो सिग्मा 3 को चूज़ कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि एक्सप्रेस वे से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिग्मा 3 ग्रेटर नोएडा का ये पड़ता है, आपको कनेक्ट करता है ये एक्सप्रेस वे से, और एक पोस्ट सेक्टर में ग्रेटर नोएडा का गिना जाता है। तो देखिए, अगर आप कहीं जाएंगे आज की डेट में प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो 200 मीटर का ग्रेटर नोएडा में 2.50-2.5 करोड़ का कंप्लीशन का रेट है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 मंजिल की एक कोठी मिल जाती है। पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आपको स्टील पार्किंग के साथ। जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट में कर, जैसे ही आप ये एंट्री करते हैं, स्टार्टिंग में पहले ग्रीन देख लीजिए, घर के सामने पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में आपका ये पार्किंग, और ये सामने घर के सामने गार्डन, बाकी जो, चलिए अंदर से आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, अंदर अंदर है हाँ, तो ये गार्डन और बाकी जो इस कोठी के बारे में ज़्यादा डीपली बताएंगे तो सर हैं हमारे, तो ये थोड़ा सा बताएंगे सर। वीडियो में आप बोलते रहिए, वीडियो जैसे ही आप एंटर करते हो हाँ, ये तो आपको आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड में मिलता है पूजा घर छोटा सा। अच्छा, इसको अंदर से देख, हाँ, स्टडी रूम से अटैच है। वाह, इसके बाहर जैसे ही आप निकल के आओगे, यहाँ पे जो देखो अलमीरा है, इसमें सामने स्टोन का काम किया गया है, पत्थर का, जिससे आपके दीमक वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर कभी भी। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको आगे मिलता है ओपन एरिया, डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया है। अच्छा, ये हाँ, पूरा ये डाइनिंग एरिया में जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पर दी जाती है डाइनिंग एरिया के सामने ही जस्ट किचन,
ये किचन आप देख रहे हैं, कंप्लीट इसका वर्क है। उसके बाद ये रूम है, रूम में दो वॉशरूम अटैच्ड है। अच्छा, एक ही वॉशरूम है। एक और एक दूसरा एक वॉशरूम ये है विद बाथ टब, वेस्टर्न टॉयलेट। वेस्टर्न टॉयलेट है? हाँ जी। फिर ये जी, इसके बाद चलते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर। एक शायद उधर वॉशरूम के साथ भी उधर रूम था, सर्वेंट रूम बना रखा है बाहर से। एक बार उसको बाहर से बाहर देखें, अंदर से देख लेते हैं। सर्वेंट रूम भी देख ही लेते हैं। कंप्लीट ये वुडन वर्क तो इसमें हो ही रखा है जी। सर्वेंट रूम में भी वुडन वर्क टोटल हो रखा है आपका, थोड़ा सा अंदर है। हाँ, ये सर्वेंट रूम है जिसे बाहर से आपने, यहीं से बाहर बाहर से इसकी एंट्री जो है, ये गेट आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से ही आ सकते हैं। चलिए सर, इसके ऊपर जाने के दो रास्ते हैं जी। एक तो अंदर से ही है, यहाँ से हम लोग ओपन करके जा सकते हैं। एक ये मेन गेट है। अच्छा, एक ये मेन गेट। या बाहर से ही आउटसाइड से ये मेन गेट का भी यूज कर सकते हैं ऊपर ऐसे जाने के लिए। मैंने अभी ग्राउंड आपको दिखाया, अभी सर हमें फर्स्ट फ्लोर का भी बताएंगे। देखिए, जो लोग ग्रेटर नोएडा के पोस्ट सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये घर का। तो अब इसमें जैसे ही आते हैं तो आपको एक यहाँ पे छोटा सा स्पेस मिलता है जी, ये हाँ सेटिंग स्पेस मिलता है। जैसे आप सोफा डाल दो या डाइनिंग टेबल, इसमें कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे भी आपको स्पेस मिलता है किसी भी चीज के लिए। यहाँ पे आपको तीन रूम मिलते हैं जी। ये आपको ओपन किचन दे रखा है फर्स्ट फ्लोर के लिए। जिसमें एक रूम ये है। अच्छा हाँ, और इसके साथ ये टॉयलेट अटैच्ड है अंदर से बाहर से दोनों साइड से है ये टॉयलेट। अच्छा, इधर से भी ये गेट है। ठीक है, ये इसका अलमीरा रूम का। ठीक है, दूसरे रूम के साथ ये वाले टॉयलेट अटैच्ड है। अच्छा, दूसरे रूम के लिए ये वॉशरूम है जी। और ये रूम है आपका। तो ये रूम है, इसकी डायमेंशन तो सर बड़ी अच्छी लग रही है। तो क्या डायमेंशन होगी इसकी? 12x10 के आसपास होगी, 12x10 या 12x12 होगी इसका। ये वॉशरूम, ये क्या है सर? ये देखो अलमीरा है। ये टोटल इसमें सब में स्टोन वर्क भी किया गया है तीनों फ्लोर का। अच्छा, ये हाँ कोई वुडन फ्लोर नहीं है, पूरा स्टोन का है। अच्छा, ये भी इधर भी अलमीरा है ना, स्टोन का अलमीरा है। हाँ, सब में स्टोन का है। अच्छा, ये बाहर से देख सकते हैं क्या स्पेशल? ये बाहर एरिया है। थोड़ा सा वीडियो भी है वो है। जी, ये आपके कपड़े वपड़े के लिए, जैसे भी आपको वॉशिंग एरिया बनाना है, ये एसी वगैरह सेट करना है, तो उसका पाइपलाइन ऑलरेडी यहाँ पे सेट है सब कुछ। अच्छा, तो वन बेडरूम ये विद अटैच्ड वॉशरूम, वन बेडरूम ये विद अटैच्ड वॉशरूम एंड ये ओपन किचन। दिस इज द फर्स्ट फ्लोर एंड थर्ड बेडरूम इज हियर, यू कैन सी। सर प्लीज ब्रीफ की व्हाट इज दिस सर? अलमीरा। अलमीरा हाँ, थ्री बेडरूम हो गए। ये आपका फर्स्ट फ्लोर जी। सेम इसका कॉपी जो है वो सेकंड फ्लोर है। अच्छा, इसका कॉपी। ये गेट कैसा है सर? ये बाहर जाने के लिए। अच्छा, ये बाहर जाने के लिए जो अभी हम गैलरी देख कर आए थे। रहने दीजिए इसको, रहने दीजिए, ऊपर सेकंड पर चलते हैं। और यहाँ से भी आप जैसे बालकनी है। हाँ, बालकनी देख सकते हैं। तो ये बालकनी हो गई। अच्छा अच्छा, इसकी फेसिंग क्या है सर? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, सबसे अच्छा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, 12 मीटर रोड पर है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो ऊपर चलते हैं सर, सेकंड फ्लोर पर ना जी। व्हाट इज दिस सर? ये भी बालकनी है। अच्छा, बालकनी है, अंदर से बंद है। ठीक ठीक ठीक, सेम है सारी चीजें, सेम कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर देखा वही सेम चीजें हैं, सेम ओपन किचन, सेम आपका रूम, वन बेडरूम,
बालकनी के साथ, पीछे की तरफ बालकनी है इसकी। ये गेट आप देख रहे हैं, अच्छा बस बस खोल दीजिए, मत खोलिए तो यहीं से व्यू दिख जाएगा। अच्छा ये आपका इधर ग्रीन बेल्ट है साइड में, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, अच्छा व्यू है। ये क्या है सर ऊपर, यहाँ से भी स्टेयर के लिए जाने, अच्छा ऊपर जा सकते हैं थर्ड पे, रूम में रहता है वो अपना यहीं से निकलेगा। अच्छा अच्छा आइए, तो एक आपका ये हो रूम, दो दो अलमीरा के साथ, इन टब के साथ ये वेस्टर्न वॉशरूम बस, और ये आपका थर्ड बेडरूम, अलमीरा का पूरा पूरा वर्क इसमें हो रखा है। तो और कुछ स्पेशल इसमें आप बताना चाहेंगे? इसमें देखो आपको सारी चीज़ें अटैच्ड ही मिलती हैं जी। इसमें पहली बार तो आपने ग्रेटर नोएडा में देखा होगा काफ़ी मकानों में सीलन मिलती है। हाँ हाँ ये सीलन तो मकान में आपको कहीं सीलन नहीं दिखाई दे रही जी, सीलन अभी तक दिखाई नहीं दी है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और फिर सारे अलमीरा जो है वो सारे अटैच्ड हैं ही, प्लस ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी जी। हाँ। तो इसमें सर जो अमाउंट है वो कितना आपने रखा हुआ है इसका, कितने में इसका हमने रखा हुआ है 272 272 में। तो इसमें वाइट का कोई इशू, वाइट ब्लैक कोई दिक्कत नहीं, आप वाइट भी इसमें 100% दे सकते हैं। जो लोग लोन पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये मौका है ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने का। इस आलीशान कोठी को आप 2,72,00,000 में खरीद सकते हैं। देखिए अगर यहाँ के जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनकी बात करें, जो यहाँ का रजिस्ट्री चार्ज है 6%, आप इसमें मैक्सिमम वाइट दे सकते हैं, जो भी आपका वाइट का एग्रीमेंट बनता है उसका 6% आपका रजिस्ट्री का चार्ज आएगा, और 1125 रुपये पर स्क्वायर मीटर का ट्रांसफ़र चार्ज। जो लॉयर की फ़ीस होती है थोड़ी बहुत 20-30 हज़ार वो आपकी जाती है, और जो एक्स्ट्रा इसमें ऐसे कोई खर्चे होते नहीं, बाकी मेंटेनेंस वगैरह अथॉरिटी आपसे लेती नहीं। जो आपका वाटर बिल है और इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपको पे करने पड़ते हैं। परी चौक से इस सेक्टर की जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर है, और यमुना एक्सप्रेसवे से भी इसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो आप जैसे कि वीडियो में देख भी रहे हैं, अच्छा ग्रीन सेक्टर है, पोस्ट सेक्टर में ये गिना जाता है। इस तरीके की डुप्लेक्स विला आपको यहाँ पर अथॉरिटी की कंडीशन में मिल जाएगी, जिनको आप रिनोवेशन इस तरीके से करा के आलीशान कोठी 200 मीटर में आप ये बना सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं इसको परचेज करने के लिए।